निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर कृषि गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागृह में एक बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गर्ग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सभी युवाओं से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने तथा लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की अपील की। 17 साल की आयु से अधिक आयु वाले युवक युवतियां भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम आवेदन दे सकते हैं। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है वह अपना आवेदन BLO को अथवा ऑनलाइन पद्धति से दे सकेगा। हरदा से आलोक गौर की रिपोर्ट। होलोग्राम नहीं होगा, तो ये एक नया चेंज है निर्वाचन से संबंधित। इसके अलावा कुछ भवन परिवर्तन हुए हैं मतदान केंद्रों के, वो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कराई है। पहले के जो भवन थे वो शायद क्षतिग्रस्त थे या किसी कारण से तो नए भवन करें, तो वो आप उसको विधानसभा के SDM की मर्नी आज यानी कि 9 नवंबर को हम लोग एक चयनित प्रारूप निर्वाचन नामावली का प्रकाशन कर रहे हैं। तो ये ड्राफ्ट नामावली है, इसमें वोटर्स के नाम छपे हुए हैं। अब ये हमने आपको मतलब राजनीतिक दलों को दे दिया है और आम पब्लिक के लिए भी ये अपलोड करा दीजिएगा वेबसाइट पे, डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।